शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। नाम ले लेकर कहूं, किस्मों से मुखालिफत करते हो, बसपा की हिमायत करोगे, कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं रह गई, कोई गैरत और खुददारी नाम की चीज नहीं रह गई, घर बैठे होते लेकिन बसपा का झंडा नहीं लगाया होता, कम से कम इतनी गैरत का सबूत तो दिया हो। क्या संदेश दे रहे हो, क्या बताना चाहते हो, जलील करना चाहते हो हमारे जैसे लोगों को? जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा, ये सुना है आपके लिए हमने। बाबरी मस्जिद मूवमेंट में नसीर नहीं फूटने दी आपकी, कौन सी बदनामी नहीं मिली हमें इसे लेकर, क्या जुल्म नहीं किए बसपा ने हम पर और आप पर? कोई हया नाम की चीज नहीं है। बसपा को वोट करेंगे? मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो सीधे, बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो। क्यों गंदगी पर चांदी, क्यों गंदगी पर चांदी का वरक लगा के खा रहे हो, क्यों चांदी का वरक लगा रहे हो? दिल्ली के इमाम ने और कुछ लोग जो उलन खटोले में घूम रहे हैं उनसे कह रहा हूं मैं कि चांदी की थाल में टट्टी रख ली है और इस पर चांदी का वरक लगा के समझ रहे हो चांदी है, गुरु है ये। सीधे तो वोट बीजेपी को काय के लिए, क्यों बसपा को वोट दे रहे, सीधे बीजेपी को दो। और मैं एक बात कहूं आपसे, जिन लोगों से मैं ये कह रहा हूं वो समझ रहे हो, आप बीजेपी को वोट दोगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए वो अच्छा करें। कौन बात है, एक मस्जिद भी दो चार और दे दो, समझौता करना है तो ऐसे करो ना, घुमा के हाथ से कान जो पकड़ रहे हो सीधे कान पकड़ो, वोट करो बीजेपी को।